फोर्ड के जाने के बाद लोगों के मन में एक और कंपनी के जाने का डर लगा रहता है और वो है होंडा। पर क्या होंडा इतनी खराब पोजीशन में है? होंडा ने 2019 में 134,000 कार्स बेची थी पूरे इंडिया में, पर कोविड के चलते 2020 में इनकी सिर्फ 70,000 गाड़ियां ही बिक पाई थी। लेकिन अगर मैं निसान की बात करूं तो उन्होंने 2019 में 23,500 गाड़ियां बेची थी, पर 2020 के पूरे साल में वो सिर्फ 2300 गाड़ियां ही बेच पाए थे। सिर्फ इतनी गाड़ियां जितनी कोई कंपनी सिर्फ एक महीने में बेच देती है, और वो भी तब जब इनके पास एक मास मार्केट प्रोडक्ट आ चुका था। अब ऐसा नहीं है कि निसान ने सिर्फ लॉकडाउन में ही सफर किया है। अगर हम रीसेंट मंथ्स की सेल्स देखें तो वो इस टाइम सबसे ज्यादा लॉसेस में चल रहे हैं। उनकी ईयर ऑन ईयर सेल्स -40 से 50% तक भी जा रही है पिछले साल के मुकाबले, और ये सब भी तब हो रहा है इनके साथ जब इनके पास एक सब 4 मीटर और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी है जिनकी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है इस वक्त। और इस हिसाब से देखें तो होंडा तो अभी काफी अच्छी पोजीशन में ही दिखाई देती है, और जिसके बारे में हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए वो निसान लगती है। अब आप बोल सकते हो कि ये कंपनी भी इंडिया में कार्स पर लगने वाले भारी टैक्सेस के चलते सफर कर रही है, पर ये बात हर कंपनी के लिए सच नहीं हो सकती है, खासकर निसान जैसी कंपनी के लिए जो हुंडई की तरह ही बहुत सारे मास मार्केट प्रोडक्ट्स बेचती है इंडिया के अंदर। दरअसल निसान सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सफर कर रही है। 2019 में निसान ने अपने 12,500 एम्प्लॉयज़ को निकालने का फैसला किया, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 99% तक की कमी आ चुकी थी। निसान एक जापानीज ब्रांड होने के बाद भी अपनी खराब बिल्ड क्वालिटी वाली कार्स के लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम होने लगी है। उनकी हालत इतनी खराब होने लगी है कि उन्हें यूरोप के 30 देशों में अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े हैं। निसान अपनी कार्स में बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रही है, और अगर हम उनके ब्रांड डैटसन की बात करें तो एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग के चलते उसे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडोनेशिया में भी बंद करना पड़ा है। पर सोचने वाली बात है कि आखिर निसान की ये हालत हुई कैसे? निसान तो वो ब्रांड है जो 90s में अपनी सिल्विया, जी सीरीज और स्काईलाइन GTR जैसी ओवर इंजीनियर्ड और रिलायबल स्पोर्ट्स कार के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मिस्टर बीन जैसा दिखने वाला ये इंसान। इसका नाम है कार्लोस गोन। जैसा मैंने पहले बताया कि निसान का फेलियर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, और इसीलिए हमें जानना होगा कि क्यों निसान अपनी कार्स को बिना अपडेट करे 10 साल तक लगातार बेच रही थी, क्यों वो एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग मेजर्स ले रहे थे, और कैसे कार्लोस गोन अपने फ्रॉड के चलते जापान की कैद से एक बक्से में बंद होकर लेबनान पहुंच गए एयरप्लेन के थ्रू। mid-90s तक निसान अपनी बहुत ही तेज और ओवर इंजीनियर्ड कार्स के लिए जानी जाने लगी थी। R34 GTR जैसी कार्स के इंजन इतने ज्यादा मजबूत थे कि इन्हें 1,000 horsepower तक ट्यून किया जा सकता था, वो भी 90s के दौर में। पर इस सभी चमक के पीछे एक्चुअली निसान सफर कर रही थी। माना जाता है कि निसान अमेरिका में अपनी हर कार को बेचते टाइम तकरीबन $1,000 लूज कर रही थी, और इसकी वजह ये थी कि निसान के पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे थे क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते थे, और इसी वजह से निसान तकरीबन $5.6 billion के कर्जे में आ गई। और इसी चलते 1999 में रेनॉ ने मदद का हाथ बढ़ाया निसान की तरफ। रेनॉ ने निसान के अंदर 36.6% इक्विटी ले ली और उनका ये कर्जा चुका दिया। फ्रांस की रेनॉ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि निसान की अमेरिका और जापान की मार्केट में अच्छी पकड़ थी, और निसान के थ्रू उन्हें इन मार्केट में आसानी से घुसने का मौका मिल जाता। इस डील से दोनों ही कंपनीज का फायदा था। एक तरफ रेनॉ अच्छी दिखने वाली गाड़ियां बनाती थी, और दूसरी तरफ निसान की इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। रेनॉ के साथ निसान में उनके CEO भी आए जिनका नाम था कार्लोस गोन, और उन्होंने निसान के अंदर घुसते ही उनके जापानीज वर्क कल्चर को पूरा का पूरा उलट पलट करके रख दिया। कार्लोस ने सबसे पहले ये पाया कि निसान की कार्स की एवरेज एज बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि कैश क्रंच होने की वजह से वो अपनी कार्स के मॉडल्स को टाइमली अपडेट नहीं कर पा रहे थे। पर ऐसा नहीं था कि निसान के पास कैपिटल की कमी थी, बल्कि ये सारा पैसा कैरेट्सु पार्टनरशिप्स पे फंसा हुआ था। जापान में कॉर्पोरेट में आपस में इक्विटीज लेने का कल्चर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निसान ने अपने पैसे से अपने वेंडर्स की कुछ इक्विटी खरीद ली थी, और उनके वेंडर्स ने भी थोड़ी बहुत इक्विटी निसान की ले रखी थी, जिसकी वजह से निसान का काफ़ी पैसा इक्विटीज के अंदर फंसा हुआ था। कार्लोस ने इन कैरेट्सु पार्टनरशिप्स को खत्म करवा दिया, जिसकी वजह से निसान के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में पैसा आ गया। कार्लोस ने जापान की World War II से चलती आ रही सीनियोरिटी बेस्ड जॉब्स को खत्म कर दिया, जिसमें उम्र के हिसाब से पेंशन और सैलरी मिलती थी। इस वजह से निसान में 21,000 लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कार्लोस के इन बदलावों की वजह से पहले तो उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई, पर जैसे जैसे कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो करने लगी, जापान में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेस भी किया जाने लगा। उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि वो अपनी CEO की पोजीशन से रिजाइन कर देंगे अगर वो निसान का टर्न अराउंड नहीं कर पाए। जापान में ऐसी बातें सुनना कोई आम बात नहीं है। इन बातों की वजह से कार्लोस जापान में एक हीरो की तरह उभरे। जापान जहां आज भी किसी बाहर के इंसान को ज़्यादा प्रेज नहीं किया जाता है, वो उस टाइम पर उनकी मांगा मैगजीन्स में दिखने लगे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले लिए गए थे जिससे शॉर्ट टर्म में तो कंपनी को बेनिफिट्स मिले, पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा लॉसेस भी उठाने पड़े। और इसमें सबसे पहला था कॉस्ट कटिंग। निसान में अब वो दिन जा चुके थे जब वो क्वालिटी देने के चक्कर में अपना नुकसान कराया करते थे। कार्लोस के अंडर निसान में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की कॉस्ट कटिंग होने लगी थी, इतनी कि इनके इंजन में पार्ट्स भी प्लास्टिक के यूज होने लगे थे, टाइमिंग बेल्ट की गाइड भी अब प्लास्टिक की आने लगी थी, इन गाड़ियों के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वक्त से पहले ही खराब हो जाया करते थे, और तो और निसान की गाड़ियों में रस्टिंग तक के इशू सामने आने लगे थे।
इन सभी तरीके की कॉस्ट कटिंग के चलते निसान ने यूएस के अंदर काफी सारे लॉ सूट्स भी हारे और वो यूएस के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट्स के अंदर भी काफी ज्यादा नीचे आने लगे। यही निसान की कॉस्ट कटिंग वाली प्रॉब्लम हमने इंडिया में भी देखी है। इंडिया में भी निसान की अब तक जितनी भी गाड़ियां लॉन्च हुई हैं उनके अंदर भी हमें कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है, खासकर इंटीरियर्स में। एक तरफ निसान और डैटसन जैसी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो अपनी खराब क्वालिटी की वजह से सफर कर रही थी, किया इंडिया में एंट्री लेते ही एकदम सक्सेसफुल हो गई। सक्सेस भी ऐसी कि मांग को पूरा करना भी भारी पड़ने लगा था। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे कि किया इंडिया जैसी कंट्री में जहां दूसरी कंपनी सफर कर रही हैं वहां सक्सेसफुल हो गई? तो ये जानने के लिए किया मोटर्स हाउ इट एंटर्ड इंडियन मार्केट ऑडियो बुक सुने कुकू FM से। मैंने तो सुन ली है, अब आप भी सुनो और कमेंट सेक्शन में बताओ। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 4000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस की रेटिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सारी कैटेगरीज की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। पर्सनली मैं भी ऑडियो बुक्स सुनना पसंद करता हूं। कोई भी काम करते टाइम, जिम करते टाइम, रनिंग करते टाइम आप इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम खुद में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट तो 399 rupees पर ईयर है, लेकिन मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड BTM50 यूज करेंगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, यानी बस 199 में साल भर की किताबें सुन सकते हो। अब ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेकआउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कार्लोस ने जो दूसरा गलत फैसला लिया वो था ओवर एक्सपेंशन। कार्लोस को लगता था कि ऑटो मार्केट काफी ज्यादा एक्सपैंड होगी फ्यूचर में और इसके चलते उन्होंने अपनी लाइनअप ऑफ कार्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। अब देखने को मिलता है कि मार्केट उतनी ज्यादा एक्सपैंड नहीं हुई है जितना कार्लोस ने सोचा था। और उसके बारे में कंपनी के करंट CEO अश्विन गुप्ता ने कार मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि पिछले CEO ने जो अपनी इंटरनेशनल रेंज को अननेसेसरली एक्सपेंड कर दिया था उस टाइम पर कंपनी लॉसेस में जाने लगी थी। और अब कंपनी क्योंकि पहले ही लॉसेस में जाने लग रही थी, कंपनी के पास इतने सारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स को अपडेट करने के लिए फंड्स ही नहीं थे। 2020 तक निसान के मॉडल्स की एवरेज एज 6 साल हो गई थी, यानी कि ऑन एन एवरेज 6 साल तक वो अपनी गाड़ियों को ऐसे ही बेचे जा रहे थे बिना किसी अपडेट्स के। और ये तो एवरेज एज है, निसान के कई मॉडल्स तो इससे कई ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। और अगर मैं एक प्राइम एग्जांपल की बात करूं तो निसान की GTR पिछले 15 सालों से ऐसे ही बिके जा रही है। आज भी GTR सेम इंजन यूज़ कर रही है विद इंक्रीज्ड पावर और हल्के फुल्के फेसलिफ्ट दिख जाते हैं इस गाड़ी में एंड नथिंग एल्स। अपनी 370G को भी निसान ने 11 साल तक बिना किसी अपडेट के बेचा और आखिर में 2020 में उसे बंद कर दिया। अब ये तो उनकी स्पोर्ट्स कार्स की बात थी, उनकी किसी भी मास मार्केट इंटरनेशनल कार को उठा के देख लीजिए, उनका सभी का यही हाल है। और अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं तो मेरे हिसाब से इंडिया में निसान का सबसे बड़ा फेलियर का कारण यही है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाऊं तो निसान अपनी सनी से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, पर उस गाड़ी का भी वही हाल हुआ जो इंटरनेशनली उनकी बाकी गाड़ियों का हाल हुआ है। सनी को निसान ने 2011 में लॉन्च किया था, पर 2021 तक भी वो उस गाड़ी को बिना कुछ खास अपडेट्स के ऐसे ही बेचते चले गए, जबकि उसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होंडा सिटी के 2008, 2014 और 2021 तक 3 जनरेशन आ चुकी थी। निसान की माइक्रा भी ऐसे ही बिकती चली गई और इंडिया में SUVs का क्रेज होने के बाद भी वो अपनी डस्टर पर बेस्ड चरानों को कभी भी अपडेट नहीं कर पाए। निसान को अपनी इन कार्स को फंड्स की कमी के चलते और BX6 में ना अपडेट कर पाने की वजह से बंद करना पड़ा एंड में। निसान के इंटरनेशनल तारे तब गर्दिश में आ गए जब उनके CEO कार्लोस गॉन को 2019 में फ्रॉड के चक्कर में जापान में अरेस्ट कर लिया गया। उन पर कंपनी का बहुत ही भारी अमाउंट पर्सनल एसेट में शो करने के लिए और जापानीज गवर्नमेंट को अपने एसेट्स की गलत जानकारी देने के लिए अरेस्ट किया गया। कार्लोस हाउस अरेस्ट में थे, पर वो प्राइवेट जेट में एक बॉक्स के अंदर बंद होकर बेरूत भागने में कामयाब हो गए। अब कार्लोस का जापान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि लेबनान और जापान के बीच में कोई भी एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं है, जिसकी वजह से जापान कार्लोस की कस्टडी नहीं मांग सकता है लेबनान से। इस सब की वजह से निसान को फर्दर और भी ज्यादा नुकसान झेलने पड़े क्योंकि उनके शेयर प्राइस काफी ज्यादा गिर गए थे इस इंसिडेंट्स के बाद। अब निसान के नए एग्जीक्यूटिव कार्लोस के फैलाए हुए इस रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसे कि वो अमेरिका, चाइना और जापान जो कि उनकी मेजर मार्केट्स हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे और बाकी देशों में अपनी कंपनी की प्रेजेंस को कम करते चले जाएंगे। और इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम आता है यूरोप का। निसान ने ऑफिशियली बोला है कि यूरोप के 30 देशों में वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खत्म कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने मेजर प्लांट्स को भी बंद कर रहे हैं वहाँ पर। अब यहाँ तो वो सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में वो अपने इकोनॉमी ब्रांड को लगातार 10 साल तक नुकसान झेलने के बाद बंद ही कर चुके हैं। इंडिया में भी ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि निसान इंडिया को शायद छोड़ कर चले जाएगी, पर निसान ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला था कि वो इंडिया में अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स में काम करेंगे अपनी ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के तहत और वो इंडिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ अगर आपको इंडिया में किसी और भी कंपनी के फेलियर के ऊपर वीडियो चाहिए तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाती है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर छोड़ें। और जाते जाते आप सभी ऑडियो बुक किया मोटर्स हाउ इट एंटर्ड इंडियन मार्केट जरूर सुने कुकू FM से।
यूज माई कूपन कोड BTM50 तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट 250 यूजर्स को। डोंट मिस योर चांस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।